हेलो दोस्त, जैसा कि अनुमान था 1 जुलाई 2024 से एरियर के साथ मिलेगा हमें DRNS अलाउंस। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ इस पे अलग तरह का ही हुआ है, जितना आपका बन रहा था वो भी अनाउंस नहीं आया है। अब 48 लाख एम्प्लाई और पेंशनर को केवल 3% DRNS अलाउंस बढ़ा के 53% हो गया है। 50% सबको पता है, और ये लागू कब से होगा? 1 जुलाई 2024 से मिलेगा। अभी हो चुका है अक्टूबर, तो लोगों में नाराज़गी थी कि 4-5 महीने तो ऐसे ही गुजर गए और 3% मतलब एक बिल्कुल सा कम सा सबको एरियर के रूप में मिलेगा, क्योंकि कम से कम 4% 1% एक्स्ट्रा मिलता तो आगे वाला में एडजस्ट हो जाता। फार्मूला से कैलकुलेशन कर रहे थे तो 53.53 कुछ 4-5 के आसपास आ रहा था, यानी 53.5 तो बन ही रहा था। आधा परसेंट गवर्नमेंट को ग्रेस देना था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रेस शायद इस बार भी नहीं मिला। और जैसा कि अनुमान था कि एक बार केवल 1% एक्स्ट्रा मिला था जितनी प्रोग्रेस थी। लेकिन जो PIB आया है उसका डिटेल देख लेते हैं, समझेंगे थोड़ा, और अपनी कैलकुलेशन भी समझाएंगे कि क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था और कितनी बोनस की अनुमान थी। अब बोनस के बाद DA का नाम अनुमान था। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि आज का PIB है 16 अक्टूबर का, जिसमें 1/7/2024 से आपको DA 3% बढ़ाकर 50 से 53% कर दिया गया है, यानी 53% के बोनस से हिसाब से गवर्नमेंट को 9448.35 करोड़ रुपये का पर ईयर खर्चा बढ़ जाएगा। और 49.48 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें रेलवे आपका शामिल है, जिसके लिए हम लोग वीडियो कवर करते हैं, उनको इतना बोनस के रूप में एक्स्ट्रा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इतने लाख पेंशनर हैं, इतने इम्प्लाई हैं। तो देखिए इम्प्लाई और पेंशनर दोनों जोड़ देंगे तो करोड़ में पहुंच जाएगा। यहाँ पे देखिए 49 और यहाँ पे 64, तो अच्छा खासा है दोनों मिला के। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लाई और इतना लाख पेंशनर दोनों मिला देंगे तो 1 करोड़ लोगों के लिए है। लेकिन ये 3% जो वर्किंग इम्प्लाई है उनके लिए बहुत कम अमाउंट है। बाकी कह सकते हैं कि इन सारे अमाउंटों का अगर टाइम से मिल जाता है 1 जुलाई से तो एरियर का नहीं होता। लेकिन हम लोग जो कैलकुलेशन किए थे उसको थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। सब लोग हमने DA कैलकुलेशन आपके साथ हमेशा हर महीने का करते हैं। इस DA कैलकुलेशन में आप एक मिनट इसको साइड करेंगे, इस DA कैलकुलेशन में आपका DA 53.36% बोल रहा था, ये 1 जुलाई तक के लिए कैलकुलेशन था, और वो भी नहीं मिला, यानी उससे कम मिला। और कह सकते हैं कि एक तरीके से ये आपको कैंडिडेट के लिए या रेलवे में जो जॉब कर रहे हैं ग्रुप D ग्रुप C में, उनके लिए ये बोनस के बाद दूसरा DA पे कम मिलने वाला एक न्यूज है। लेकिन अब अगर बढ़ा देते गवर्नमेंट तब कितना मिलेगा इसका एरियर, ये देखिएगा। बहुत कैंडिडेटों का इक्वायरी रहता है कि मुझे एरियर कितना मिलेगा। तो देखिए 3% से अगर जोड़े ना तो सीधा सीधा आपका बेसिक पे डिपेंड करेगा। आपका बेसिक अगर मान लीजिए आज के डेट में वर्तमान में 30,000 है, ज्वाइनिंग की छोड़ दीजिए, 30,000 पे 3% यानी 30,000 पे अगर 3% देंगे तो कितने होंगे, 900 रुपये आपको मिलेंगे पर महीने के हिसाब से। 4 महीने का हो गया तो 9 चौके 3600 रुपये कुछ ऐसे मिलेंगे, जो बहुत कम है एरियर के रूप में 3% का बेसिक का। अगर इसको अगर बेसिक के रूप में, लेकिन 53% होगा, 53% के बाद चारे वगैरह होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन एक्चुअल जो आपको मिल रहा है वो 3% मिल रहा है। तो करीब करीब बोलिए कि 3,000 से लेके 5, 6, 7, 8, 10,000 तक लोगों का एरियर आएगा। इससे ज़्यादा मुश्किल ही लग रहा है नॉर्मल के लिए। हायर लेवल का इम्प्लाई हैं, बहुत पुराने इम्प्लाई हैं, उनका तो छोड़ दीजिए, और नए हैं अगर जिनका 20,000 तक ही आपका बेसिक पहुंचा है, तो 20,000 का 3,000 कैंसिल, 600 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपका बढ़ जाएगा सैलरी, जो एक बहुत कम है। लेकिन चक्कर है कि अगर 2 बार बढ़ा तो पहले 4% बढ़ा था, इस बार 3%, यानी जनवरी में 4% और जुलाई में 3%, 7%, यानी साल में 1400 रुपये का आपका आसपास में इंक्रीमेंट मिलता है लोअर बेसिक साइड में। हायर साइड में तो अलग कैलकुलेशन होता है वो है, लेकिन अगर इसका कम से कम 4% कर दिया होता तो 4-4 गवर्नमेंट की तरफ से 8% हो जाते, और 8% पे कैलकुलेशन एक अच्छा खासा हो जाता। क्योंकि इसी साल 2024 में एक आपके पास गुड न्यूज था, आपका 50% DA होने पे बेसिक में तो नहीं मर्ज किया, वो गया बैड में, लेकिन कम से कम ये चारे कुछ बढ़ गया था, जिसके हाउस रेंट अलाउंस में लोगों को बेनिफिट हुआ था जिन्होंने अपने घर में रहते हैं, क्वार्टर वगैरह में नहीं रहते हैं। तो कुल मिला के गवर्नमेंट इस बार जो कैंडिडेट को जितनी बन रही है सारे चीज़ें,
उससे कम ही आ रहा है, हर चीज़ कम हो के आ रहा है। डिनेंस अलाउंस भी कम आया, बोनस भी कैलकुलेशन का ज़्यादा मांग था वो भी हुआ, 50% जो आपका बेसिक में मर्ज होने की बात था 50% डीए हो जाने पे, उसकी बारे में भी न्यूज नहीं आया, आपका एथ पे कमीशन के बारे में भी न्यूज नहीं आया। तो कुल मिला के कहें कि सेंटर एम्प्लॉय के लिए इस साल तो अच्छा भी नहीं रहा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कुछ अच्छा न्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो रेलवे के एम्प्लॉय हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, उनके लिए अच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद।